खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के सिमरी गांव में मेन सड़क से लगभग 700 मीटर की बनने वाली सड़क की वैधता 4 माह पहले ही समाप्त हो गई, लेकिन अभी तक सड़क पर कोई निर्माण कार्य नहीं होने से ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखने को मिली है। इस सड़क की लागत लगभग 45,03,000 है, जो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखंड बलिया के द्वारा बनाया जाना था, लेकिन कई बीत महीने बीत जाने के बाद भी नहीं बना, जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बीजेपी के पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के करीबी ठेकेदार को सड़क बनाने के लिए मिली है, लेकिन वैधता समाप्त होने के 4 माह बाद भी सड़क पर अभी तक कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। इस सड़क से सैकड़ों लोग प्रतिदिन होकर गुजरते हैं और सड़क पर जल जमाव होने से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि सड़क पर पैसा पास हो गया और अभी तक सड़क बनी नहीं। बार बार ठेकेदार से शिकायत करने पर ठेकेदार का कहना है कि बहुत ही जल्द सड़क बना दी जाएगी। ऐसे के सवाल उठता है कि योगी सरकार में ऐसे ठेकेदारों को सड़क बनाने के लिए दिया जाता है जो सड़क समय बीतने के बाद भी नहीं बनाई जाती, तो क्या ऐसे में योगी सरकार के अधिकारी ठेकेदार के खिलाफ करेंगे कार्रवाई, या ऐसे अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच चलेगी आंख मिचौली का खेल। बलिया से संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट। हम यहीं के रहने वाले हैं, कृष्णमोहन कुशवाहा हैं जी। कृष्णमोहन जी, ये क्या हालात है आप, ये भी आपके ये सड़क तो बहुत दिन से खराब चल रहा है, कोई सरकार सुनवाई नहीं कर रही है और कहा जा रहा है कि पैसा भी पास हो गया लेकिन अभी तक बन नहीं पा रहा है, तो इसको जल्दी से जल्दी बनवाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन देखा जा रहा है कि समय भी बीत गया लेकिन अब तक सड़क बन नहीं। हाँ, तो सरकार अब इस पर ध्यान नहीं दे रही है, पता नहीं अब किसके फंड में है, ये सब काम हो नहीं रहा है, कोई अधिकारी भी नहीं देखने आते हैं कि सड़क बने कि नहीं, और आने जाने में इतना परेशानी हो जा रही है। बारिश जिस समय हो रहा है उस समय तो इतना ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो बिना बारिश निकल नहीं पा रहा है आदमी, घरों से बाहर नहीं निकल रहा है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसके बाद पूरा ठेहुन और पानी लगा रहता है। मेन रास्ता ही है, मेन रास्ता गाँव का, और गाड़ी वोड़ी जा रही है तो और भी उसमें बेकार हो जा रहा है। इस सड़क से कितने लोग प्रतिदिन गुजरते होंगे? अरे लगभग 500 लोग। मेन रास्ता यही है, 500 से ज्यादा। कितने गाँव यह इस सड़क से? 1500 पर डे का रनिंग है। इस सड़क से कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं? दो गांव अगल बगल के पूरा गांव प्रभावित हो रहा है। आगे के लोग भी क्योंकि पोस्ट ऑफिस यहीं पे है, छाता में ही है, बाहर के लोग भी छाता मिश्रौली अमदौर के लोग आते थे, इसी रास्ते से जाते हैं तो पूरा जा नहीं पाते हैं। फिर एक परिचय बताए सर। पारसनाथ पांडे। पांडे जी, क्या है मामला सड़क का? ये तो दुर्दशा है इस सड़क का, अब इसके बारे में हम क्या कह सकता हूँ कि दुर्दशा आप लोग स्वयं देख रहे हैं। इसका पास भी हो गया, पैसा भी आ गया, ठेकेदार जो है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मिलने के बाद 10 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा, अकर कुछ नहीं रहा है। ये सड़क कहाँ से कहाँ तक बननी थी? ये सड़क जो है स्टेशन से और जो है वो पाठक जी के आगे तक। कितने मीटर की सड़क है ये? 700 मीटर। लेकिन अभी तक बना नहीं, कुछ नहीं हुआ इससे। कितने माह डेट बीत हो गया, डेट बीते हुए इसका? इसका तो 4 महीने से ऊपर एक्स्ट्रा चल रहा है, 5 महीने चल रहा है, बोर्ड जो लगा है उसके अनुसार जी। तो क्या इस सड़क पर विकार नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, ना कुछ हो, कोई चांस दिखाई पड़ रहा है। तो क्या आप लोग किसी अधिकारी से इसके लिए शिकायत की? बहुत शिकायत किया गया, ठेकेदार से मिला गया, होगा कि 10 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा, पैसा नहीं आया, ये हुआ वो हुआ, फलान ठिकाना कुछ रहा है। ये ठेकेदार कौन है और किसके आदमी का? कोई पांडे है। ये किसके आदमी है? अभी आदमी शुक्ला जी का हो, केकर किसका हो, तो ये कौन शुक्ला है? शुक्ला कौन है? शुक्ला पहले यहाँ के MLA थे भारतीय जनता पार्टी के जी, जो यहाँ आज तो दूसरा हो गया है, पहले ये थे जी, तो उन्हीं के समय का ही है। लेकिन अब तक इस सड़क में कोई कार्य नहीं हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सरकार तो कर रही है कि सड़क पूरी सड़क है उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त हो गई है। सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, सरकार तो बात बहुत कुछ दिखा रही है कि बात नहीं, ये बन रहा है, वो बन रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, हम लोग नारकीय जिंदगी जी रहे हैं। तो क्या लगता है कि सरकार का जो दावा है वो एक कदम 0% कुछ नहीं है? हमारा तो ये जिंदगी जी रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ इस रोड के ऊपर। अभी 2 साल बोली है जी। मैं पप्पू कुमार यादव, ग्राम प्रधान सिमरी। पप्पू जी, ये क्या है मामला सड़क का? सर, ये मामला जो है 4th महीने में का निकला था, ये इसका पूर्ण था करने का, तो हम लोग काफ़ी ठेकेदार से भी बात करने के बाद या जो भी है एशियन है उनसे बात करने के बाद वो ऐसे आश्वासन दे रहे हैं कि 10 दिन में लग जाएगा काम, 15 दिन में लग जाएगा काम, ऐसे करते करते 3 महीने निकल गए, फिर भी इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। ये कैसी सड़क है, किस तरह की सड़क है अभी जो? पहले तो PWD में थी, अभी इसका कोई परफॉर्मेंस चेंज हुआ है, ग्रामीण ऐसे करके कुछ चेंज हुआ है,
तो ये विकास भवन से बता रहे हैं कि विकास भवन से इसका परियोजना आता है जी। तो क्या अब तक ठेकेदार नहीं बना या कोई अधिकारी देखने तक नहीं आया ये सड़क बनी कि नहीं बनी? नहीं, ठेकेदार तो आए भी नहीं और ना कोई अधिकारी आया। और ठेकेदार से मिलने के बाद वो आश्वासन ही दे रहे हैं कि 10 दिन में लग जाएगा, 15 दिन में लग जाएगा, पैसा नहीं आया, तो इतना निधि आया है, इतना नहीं आया, ऐसे बता। ये ठेकेदार कौन है और किसके आदमी है? कोई जुनारी का, कोई पांडे जी करके हैं, वो पूर्व प्रधान रहे हैं उधर जी। ये किसके आदमी है ये पांडे जी? शुक्ल जी के साथ रहते थे, उन्हीं का। शुक्ला जी कौन है? ये हमारे पूर्व भाजपा मंत्री रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन लेकिन अभी तक निर्माण नहीं हुआ सड़क का जी? नहीं, अभी तक निर्माण नहीं हुआ। 4 महीने बीत जाने के बाद भी? बाद भी।